दोस्तों, यहाँ साउथ की तरफ से आने वाली फिल्म कंगवा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेवी फिल्म लग रही है, और यहाँ इस फिल्म से स्टारों के लुक्स को देख ही इसका अंदाजा तो लग ही गया था। और ख़ासकर जैसे कि ये भी जानने को मिल गया कि ये फिल्म 4-5 नहीं बल्कि 38 अलग अलग लैंग्वेज में रिलीज़ हो रही है। लेकिन जैसे कि उसके यहाँ इसके साथ ही जब बात की जाए फिल्म की रिलीज़ डेट की, तो जैसे कि उसके यहाँ फिल्म कंगवा जो कि आने वाली थी 11 अप्रैल को, जी आज तो ईद के मौके पर ही फिल्म कंगवा आ रही थी, और इसमें थी यहाँ फिल्म इसी डेट पर आती तो इस फिल्म का सीधा क्लैश होने वाला था फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ। जी आज तो यहाँ अक्षय टाइगर के बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि ईद के मौके पर आ रही है, और इसी डेट पर फिल्म कंगवा भी आने वाली थी। लेकिन जैसे कि उसके भी जानने को मिल रहा है कि फिल्म कंगवा जो कि यहाँ पहले तो 11 अप्रैल को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन यहाँ मेकर्स जो कि अभी भी फिल्म को समर 2024 में ही रिलीज़ करना चाहते, लेकिन यहाँ पर फिल्म की रिलीज़ डेट में बड़ा बदलाव हो सकता है, और इसके लिए अब थोड़ा और वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ काफ़ी जल्दी फिल्म कंगवा की नई रिलीज़ डेट हमें जानने को मिलने वाली है, और इसमें देखने वाली बात रहेगी कि ये फिल्म अब हमें किस दिन देखने को मिलती है। जी आज तो अब यहाँ उम्मीदें तो कमी लग रही है कि फिल्म कंगवा जो कि ईद के मौके पर रिलीज़ हो, और इसमें इस फिल्म के लिए थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। लेकिन यदि यहाँ फिल्म कंगवा और बड़े मियाँ छोटे मियाँ का क्लेश हो जाता तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रहता। जी आज तो दोनों ही फिल्में शानदार लग रही है, और ख़ासकर इन दोनों ही फिल्मों के स्टार्स जिन्हें देख कर ही मज़ा आ जाता है। तो अब ये दोनों ही फिल्में जो कि हमें अलग अलग डेट्स पर देखने को मिलने वाली है, और इन दोनों ही फिल्मों को सिनेमाघरों में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर देखा जा सकता है। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।